लेट मी गो आउटसाइड, लेट मी वॉच मूवी, राम को बाहर मत जाने दो, सोहन को खाना खाने दो, सीता को गाना गाने दो। मीन्स मेरी बात को समझ में आ रही है क्या? होता क्या है, हमारे डेली लाइफ में हम लोग ऐसे बहुत सारे सेंटेंस सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जहां पे हम स्वयं न काम करके, मीन्स जहां पे सब्जेक्ट स्वयं न काम करके काम को करने देता है, काम को करने देता है, काम को करने देता है। मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में जहां पे सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता, वो काम को करने देता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग उसी के इंपॉर्टेंस को जानेंगे, उसी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, लेट। मीन्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ लेट। वाओ, व्हाट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज, यूज ऑफ लेट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट के सभी यूज के बारे में पढ़ेंगे, सारे लेट के यूज जानेंगे। और आई एम वेरी श्योर दैट टुडे ऑनवर्ड यू विल नेवर गेट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेट। आज के बाद कभी भी आपको लेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। ओके, सो कम ऑन। मैंने आपसे क्या बोला कि यहां पर क्या होता है कि जो लेट, जिस सेंटेंस में लेट यूज हो गया, एक बात जान लीजिए, इन द होल यूनिवर्स, इन द होल वर्ल्ड, इफ यू आर सीइंग दैट, इफ यू आर गेटिंग दैट इन एनी सेंटेंस लेट इज बीइंग यूज्ड, अगर कहीं पे भी लेट का अगर यूज हुआ है तो यहां पे सब्जेक्ट भैया काम नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि करता होता है ना, काम करने वाला, लेकिन ना यहां पर नहीं, यहां पर सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, यहां पे सब्जेक्ट काम नहीं करता, यहां पे काम कौन करेगा, यहां पे सब्जेक्ट काम करवाएगा। मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट काम करने देता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज मैं हिंदी में भी ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार लोग मुझे फोन करके, सर आप इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं, स्टार्टिंग की क्लास है तो थोड़ा सा हिंदी में स्विच ओवर हो रहे हैं हम। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर, सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट नहीं करता, कौन करता है, सब्जेक्ट काम को करवाता है। भाई कब तक काम खुद से, कुछ काम खुद दूसरों से भी तो करवाइए। तो व्हाट हैपेंस, जहां पे सब्जेक्ट काम स्वयं न करके काम किसी और से करवाएगा, वहां पे किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, लेट का यूज होगा। ओके, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट अस सी, वी विल लर्न यूज ऑफ लेट इन थ्री वेज। हम लोग जो लेट का यूज सीखेंगे वो तीन तरीके से सीखेंगे, तीन तरीके से सीखेंगे। ये मैंने खुद का अपना ट्रिक और एक तरीका डेवलप करने की कोशिश किया है ताकि सारे लेट के यूज बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग एक वीडियो में सीख पाए। और वैसे इस समय हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने कोशिश यह किया है कि एक ही वीडियो में आपको सारे लेट का यूज में लेकर के आऊं, थोड़ा सा मजेदार वीडियो होगा, देखते हैं। जो पहला यूज होगा, और जो पहला होता है, देखिए सेंटेंस क्या होते हैं ना, जो एक तरीके का जो सेंटेंस बनता है लेट से, वो क्या होता है कि जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, मीन्स वॉट, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट। ये मैंने खुद से किया है कि जो पहला हमने कैटेगरी इसमें किया है कि जो सेंटेंस हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं। दूसरा जो हमने इसको कैटेगरी किया पढ़ने के लिए, वो किया है ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। आई वी यू ही सी इट दे राम सीता गीता स्टार्टिंग विथ सब्जेक्ट, वहां पे भी लेट का यूज रहेगा, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा, लेट से नहीं स्टार्ट होगा बल्कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तीसरा जो सेंटेंस हम, जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लेट के बारे में, पढ़ेंगे क्या, लेट प्लस अस के बारे में, जानते हैं ना, लेट अस, यस लेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, या लेट अस कहते हैं। मीन्स आज हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें लेट का यूज होता है, जो लेट से स्टार्ट होता है। फिर ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें लेट का यूज तो होगा, लेकिन वो सेंटेंस लेट से स्टार्ट ना होकर बल्कि कहां से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। और तीसरा जो पढ़ेंगे वो लेट अस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाई वन करके हम लोग तीनों टाइप्स को देखते हैं। पहले टाइप्स को देखते हैं, आइए पहले टाइप्स को, इसको मैं मिटा देता हूं, अब ये आपके समझ में आ गया होगा। पहले टाइप को मैं देखता हूं, जो पहला लेट का यूज होता है काफी इंटरेस्टिंग है और हम लोग डेली लाइफ में अपने डेली बोलते हैं, हमेशा हम लोग यूज करते हैं, दिन भर में कम से कम मोर देन 100 टाइम्स हम लोग तो डेली यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग उसका पहला यूज देख रहे हैं वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राम को खाने दो, सीता को सोने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो,
उसे जाने दो। आज मैं थोड़ा हिंदी में भी लिखूंगा ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए, और चूंकि टॉपिक इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि इसमें मुझे थोड़ा सा हिंदी में लिखना भी पड़ेगा, उसे जाने दो। अब इसका क्या होगा, लेट हिम गो, अगर फीमेल होगा तो लेट हर गो होगा और मेल है तो हिम होगा। ओके, अब आप खुद समझिए, जैसे मैंने आपसे क्या बोला, उसे जाने दो, उसे जाने दो, कोई बात नहीं, बाहर जा रहा है जाए, अपना खुद ही भुगतेगा, बहुत सारी समस्याएं बाहर है, कोरोना वायरस है, लेकिन फिर भी जा रहा तो उसको जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो भाई, अपना खुद ही समझेगा, जब वो लाठी के डंडे मिले, जब वो पुलिस के डंडे मिलेंगे तो खुद ही उसे समझ में आएगा। मैंने क्या बोला आपसे, उसे जाने दो, लेट हिम गो। अब आप खुद समझिए कि मैं एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम उसे जाने दो या आप उसे जाने दो, थोड़ा सा बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि यू लेट हिम गो, एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे यू क्या हो रहा है, वो हिडन है, यू छिपा हुआ, मीन्स क्या, अगर आप थोड़ा सा अगर फ्लैश बैक में जाइए तो जो हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े थे कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है क्या, जब हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पे बात किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे बात किया था, तो हमने क्या देखा था, जैसे हम लोग कहते ना कि सर मे आई गो आउटसाइड, अपने क्लासरूम में कहा करते हैं ना, टीचर से कहा करते थे कि सर मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो फॉर ड्रिंक, मे आई गो फॉर वाटर, तो सर क्या कहते थे, यस गो, जाओ। लेकिन जैसे ही हम अंदर आते थे हम सर क्या पूछते, मे आई कम इन सर, तो सर क्या कहते थे, यस कम इन, मीन्स जब सर कहते थे कम इन ना, जब सर कहते थे कम इन, तो एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे यू जो था वो हिडन था, इस बात को ध्यान समझे सर, एक्चुअली क्या करना चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि यू कम इन, बट एक्चुअली व्हाट हैपनिंग देयर, वहां पे यू क्या था, हिडन था, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस था, इंपरेटिव, नहीं समझे कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक है, वहां से टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखो फटाफट, वहां पे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सारे टाइप्स उसके सेंटेंस के, वहां पे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए रखे हैं, आप वहां से जाइए सेंटेंस के टाइप्स को प्लीज देख लीजिए एक बार। ओके, देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला यूज होता है लेट का, वो क्या होता है, एक हम लोग कहें कि इंपरेटिव टाइप का होता है, और जहां पे क्या होता है, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से, और वहां पे क्या होता है, यू हिडन होता है। ओके, जैसे ऐसे मैं और बोल सकता हूं कि राम को खाने दो, लेट राम ईट, या लेट राम प्ले। ओके, मुझे पढ़ने दो, यस लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो भाई, क्यों डिस्टर्ब करो, व्हाई डिस्टर्बिंग, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, हाँ मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने दो, मींस क्या हो रहा है कि जो हमारा सेंटेंस हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की, अगर अब मैं बात करूं आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सेंटेंस हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, मैंने यहां पे सब्जेक्ट का यूज नहीं किया है, कुछ वीडियोस मैंने देख रहे थे यूट्यूब पे, मैं चेक कर रहा था, जहां पे लोग क्या बोलते हैं, लेट के बाद सब्जेक्ट का, लेकिन याद रखिएगा जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा वहां पे लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आप किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड का, प्लस अदर वर्ड का, और यहां पे जो हम लोग यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे मेरा क्या है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे खाने दो या फिर मुझे जाने दो, जैसे मैंने आप यहां बोला था, नहीं बोला था, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने क्या लिखा कि मुझे जाने दो, मैंने एक सेंटेंस लिखा मुझे जाने दो, तो अब आप इसके इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन क्या करेंगे, लेट मी गो, यही तो लिखेंगे, लेट मी गो आउटसाइड, अगर हम बाहर कह रहे हैं तो मुझे जाने दो। अब यहां पे ये देखिए मी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, आप खुद सोचिए, अगर सब्जेक्ट होता तो क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते क्या आई लिखते, और आप बताइए क्या आई यहां पे करेक्ट होगा, बात समझिए, क्या यहां पे आई करेक्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स इफ यू विल यूज विथ आफ्टर लेट तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, और यहां पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, हिम होगा, हर होगा, आई का ऑब्जेक्ट होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, जब लेट से यूज करते तो हम लोग क्या करते हैं, लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जल्दी बोलो, अरे मी होता है भाई, ही का क्या होता है, हिम होता है, सी का क्या होता है, हर होता है,
याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? सी का क्या होता है? हर होता है। वी का क्या होता है भाई? अस होता है। और खैर यू का तो यू ही होता है, यू का तो यू ही होता है, यू के लिए आपको परेशान नहीं होना है। दे का क्या होता है? देम होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने के बाद मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि आई का सीधे सीधे मी होता है, अस का यहां पर मैंने लिखा हुआ कहीं यू का यू होता है, वी का अस होता है, और ही का हिम, सी का हर होता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये सारी बातें आपको याद रख जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया है आई का, यहाँ पे मी यूज किया है। ये बात समझ में आ रही है? मैंने कोशिश किया है आपको यहां से बताने का कि जब कभी भी आप सेंटेंस में लेट का यूज करेंगे तो लेट के बाद सब्जेक्ट ना बल्कि ऑब्जेक्ट यूज होता है। इस बात को आप क्लियरली जान लीजिए। अगर आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो इट विल बी रॉन्ग डेफिनेटली। ओके, सो यू हैव टू यूज व्हाट? ऑब्जेक्ट आफ्टर लेट। लेट के बाद क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आइए, आप मेरे साथ कुछ सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक है? हम लोग दोनों लोग मिलकर एग्जाम्पल करते हैं। राम को खाने दो, लेट राम ईट। मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो। अब क्या होगा? लेट मी राइट, मुझे लिखने दो ना। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे साथ बोलते सब लोग बोलेंगे मेरे साथ। चलिए बोलिए, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। राम को गाना गाने दो, राम को गाना गाने दो। लेट राम सिंग अ सॉन्ग, लेट राम सिंग अ सॉन्ग। ओके, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से भी यूज कर सकते हैं, खुद से अपने डेली लाइफ में यूज करिए। अपने थोड़ा सा देखिए आपके जो आसपास चहल पहल है और आप किस प्रकार से इसको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें, सेकंड स्टेप पे चलें। किसी को अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान से समझ में आनी चाहिए, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे लेट के दूसरे यूज को। नाउ वी विल गो द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आर जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट। अब क्या होगा, हम लोग सेकंड टाइप को देखेंगे। अब हम लोग सेकंड टाइप्स को देखेंगे, ठीक है? जो हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम मुझे सोने देता है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, राम मुझे सोने देता है, राम मुझे सोने देता है। अब यहां पहली बात क्या जान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया है, यहां पर राम श्री रामचंद्र चल के आ चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर राम आ गए हैं, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। और क्या हो रहा है, राम खुद नहीं सो रहा है, बात समझिए, राम खुद नहीं सो रहा है। राम क्या कर रहे हैं? मुझे सोने दे रहे हैं, वो काम खुद नहीं कर रहे, मुझे काम को वो करने दे रहे हैं ना। राम मुझे क्या कर रहे हैं? राम मुझे सोने दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, राम लेट्स मी स्लीप। यस, राम लेट्स मी स्लीप। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, पहली बात यहां पे राम जी आ गए हैं और यहां पे क्या हो रहा है, लेट्स मी स्लीप, मुझे सोने देते हैं। अब हो गया, पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, फिर लेट्स का यूज कर रहे हैं, और लेट्स यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, राम जो है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर राम सिंगुलर ना होते, राम प्लरल होते, तो यहां पर हम क्या करते, लेट का यूज करते। आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आपने अगर टेंस नहीं अब तक पढ़ा है तो प्लीज एक बार जाकर के टेंस पढ़ लीजिएगा, तो आपको पीछे की सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि इंडेफिनिट में क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है। एटलीस्ट आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस सेंटेंस हम लोग कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ओके, तो हमने क्या बोला आपसे कि राम लेट्स मी स्लीप, राम मुझे सोने देता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या समझ गए कि राम खुद काम नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, राम काम करने देता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो उसका होता है वो क्या होता है, सेंटेंस हमारा स्टार्ट कहां से होगा, सब्जेक्ट से होगा। सेंटेंस हमारा स्टार्ट कहां से होगा, सब्जेक्ट से होगा। अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या यूज कर रहे हैं,
लेट यूज करेंगे, और लेट में बल्कि एस आई एस का हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब हमारे इंडेफिनिट का सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखिए, राम का सब्जेक्ट यूज किया हमने, लेट यूज किया, अब इसके बाद क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा और प्लस दूसरा वर्ब होगा, वी वन होगा, वी टू होगा। यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? ये हमारा वी वन है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्राइमरी वर्ब है, ये प्राइमरी वर्ब, और ये क्या है, ये सेकेंडरी वर्ब है। मीन्स जो लेट होगा वो हमारा मेन वर्ब होगा, जो हमारा लेट होगा वो मेन वर्ब होगा, वो प्राइमरी वर्ब होगा, और जो काम हो रहा है, जो सोने का काम हो रहा है ना, जो सोने का जो काम हो रहा है, ये क्या होगा, ये वी टू होगा, और ये क्या होगा, ये सेकेंडरी वर्ब होगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि कहने का मेरे मतलब ये है कि जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है लेट का, जहाँ पे हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद लेट का यूज़ करते हैं, और हमारा लेट क्या होता है, वो मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, प्राइमरी वर्ब का रोल प्ले करता है। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा, जो भी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर भी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, अगर याद नहीं आ रहा हो तो वीडियो को फिर से फ्लैशबैक करिए। फिर हम लोग दूसरा वर्ब को लिखेंगे जो वहां पे काम हो रहा है। ऐसे ऐसे कुछ हम लोग और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं तुम्हें सोने देता हूं, मैं तुम्हें सोने देता हूं, आई लेट यू स्लीप। अब यहां पे देखिए, मैं तुम्हें सोने दे रहा हूं, क्योंकि मैं क्या हूं, यहां पे आई का यूज हुआ, और आई क्या होता है, प्लुरल होता है, तो आई लेट यू स्लीप, मैं तुम्हें सोने देता हूं। ऐसे और भी मैं सेंटेंस देता हूं, पापा ने मुझे जाने दिया। आइए, जैसे मान लीजिए आप बाहर जाना चाहते हैं, पापा ने आपको जाने दिया, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, पापा ने मुझे जाने दिया, तो आप क्या कह सकते हैं, पापा लेट मी गो। यस, पापा लेट मी गो, पापा लेट मी गो, या कह सकते हैं पापा, फादर कह सकते हैं, डैड कह सकते हैं, ठीक है, पापा लेट मी गो, पापा ने मुझे जाने दिया, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। किसी भी टेंस, आप फ्यूचर में चलते हैं, अभी तक तो ये कहानी मान लीजिए प्रेजेंट की थी, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा, फ्यूचर की कहानी है, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, आई विल लेट यू रीड, आई विल लेट यू रीड, मैं तुम्हें क्या करूंगा, पढ़ने दूंगा ना, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, आई विल लेट यू रीड। अब क्या हो रहा है, फ्यूचर में, मीन्स क्या हो रहा है, सेंटेंस हमारा कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे मॉड्यूल हो, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो विल, जो हमारी लेट होगी वो क्या होगी, हमारी मेन वर्ब होगी, ठीक है, और जो हमारा मेन, उसमें जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो क्या होगा, वो सेकेंडरी वर्ब होगा, वो वी टू होगा। ये बात समझ में आई? ऐसे हम लोग सेंटेंस, और जैसे मैं बोलूं आपसे, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू गो, यस, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। इसको ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है नीचे सब लोगों को ना, आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। मीन्स क्या हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेट होगा वो मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा, ठीक है, और जो हमारा उसमें काम हो रहा है, जाने का, खाने का, जो ना बताया था मैंने आपसे कि वर्ब की पहचान क्या होती है, जाना, खाना, रोना, हंसना, गाना, पीटना, तो वो क्या होगा, वो हमारा वहां पे सेकेंडरी वर्ब होगा, या वो हमारा क्या होगा, वी टू होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ये दोनों बातें समझ में आई। आइए हम लोग इसके तीसरे यूज की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटस का यूज देखते हैं। लेटस मीन्स क्या होता है, चलो या आओ। लेटस मीन्स क्या होता है, चलो या आओ। जहां पे हमारे सेंटेंस का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो मीनिंग होगा वो यहां से निकलता है कि चलो खेलते हैं या आओ घूमने चलते हैं। ओके, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट के साथ अस का यूज करेंगे, या लेट्स जो हम लोग बोलते हैं, लेट्स, वो हम लोग वहां पे लेट्स का यूज करेंगे। ओके, इसी को क्या कहते हैं, लेट्स की तरफ यूज करते हैं, लेट्स गो, यस, लेट्स कम ऑन। सो अगर हम कुछ एग्जांपल, जैसे मैं बोला आपसे कि चलो क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, क्या होगा इसका, लेट अस या लेट्स प्ले क्रिकेट।
बात समझ में आई। अब यहां पे देखिए क्या, चलो मैंने लिखा या फिर आओ स्विमिंग करते हैं, लेट अस स्विम, आइए तैरते हैं ना, आइए घूमते हैं, चलो पार्टी शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट पार्टी, यस लेट्स स्टार्ट पार्टी, आइए स्टार्ट करते हैं ना, आइए शुरू। जैसे हम जनरली आपसे क्या बोलते हैं, जब हम लोग अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो जो लेट अस का हम लोग यूज करते हैं, जो लेट के साथ अस का यूज करते हैं, वो तब करते हैं जहां पे हमें ये बताना होता है कि चलिए या आइए या चलो या आओ, जहां हमें सेंटेंस ऐसे बनाने होते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेट के साथ अस का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात मुझे बतानी थी आपको कि हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते थे, सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे हमने अभी इसके पहले बताया था आपसे, उसे जाने दो लेट हिम गो, उसे खाने दो लेट हिम स्लीप, ओके। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू नॉट से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। अब इसको अगर हम लोग बोलना है कैसे बोलेंगे, डू नॉट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो, ओके। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो उसे मत मरने दो, मतलब भगवान ने करे ऐसा आपको बोलना पड़े, लेकिन अगर आप करें कोई मर्द उसका आप क्या करें, उसे मत मरने दो, तो डू नॉट लेट हिम डाई, डू नॉट, या कह सकते हैं क्या, डोंट, डोंट लेट हिम डाई, डोंट लेट हिम प्ले, उसे मत खेलने दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब भी आपको सेंटेंस अपना नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बनेगा, जो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव का, वो क्या होगा, स्टार्टिंग होगी कहां से, डू नॉट से या डोंट से, इसके बाद लेट का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा आपकी, बताया था मैंने आपसे कि जो आपका वर्ब होगा, ओके जो आपका वर्ब होगा, अब प्लस उसके बाद आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी कहते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि राम को मत सोने दो, ओके राम को मत सोने दो, तो डोंट लेट राम स्लिप, डोंट लेट राम स्लिप, राम को मत सोने दो। बात समझ में आ गई। तो मीन्स अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा, हमें अगर नेगेटिव फॉर्म में यूज करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे या डोंट का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, और अब उसके बाद हमारा पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। लेट का यूज आज तो समझ में आ गया, इसे फटाफट सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए और आप खुद भी इसका डेली लाइफ में अपने यूज करिए, आप देखिए इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ओके। और आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ अपने वर्ड सेक्शन की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, वर्ड सेक्शन में अपने इस समय रूट वर्ड्स पे काम कर रहे हैं, अभी हम लोग को बहुत सारे वर्ड्स कवर करने हैं। हम लोग जो रूट वर्ड्स की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें आज हम एक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लेकर आए हैं, और आजकल डेली वो लाइफ में हमारे यूजर हम लोग को डेली सुनने को मिल रहा है। हमारा रूट वर्ड है एम्बुल, ए एम बी यू एल, एम्बुल, एम्बुल, ए एम मेरे साथ बोलेगा, ए एम बी यू एल, एम्बुल, एम्बुल मीन्स क्या होता है, टू वॉक, टू वॉक मीन्स क्या करना, जो घूमना टहलना वॉक करना। एम्बुल मीन्स क्या होता है, वॉक करना मीन्स मूवमेंट करना। जहां पे भी मूवमेंट की बात आती है, जहां पे मूवमेंट होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, फिजिक्स वाला अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो वो क्या होता है, एम्बुल। अब आपको अगर जैसे अगर मैं तो सिर्फ एम्बुल बोला हूं, लेकिन आपके दिमाग सबसे पहली बात इसमें क्या बनेगी, एम्बुलेंस बनी होगी, एम्बुलेंस बनेगी। पहला एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्या आया होगा, एम्बुलेंस आया होगा। और आप सबको पता है कि एम्बुल प्लस सेंस मीन्स एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का एग्जाम्पल क्यों आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि एम्बुलेंस मतलब क्या होता है, इमरजेंसी वैकी होती है, ए एम बी यू एल ए एन सी, एम्बुलेंस क्या होता है, एक इमरजेंसी वैकिल होती है, इमरजेंसी वैकिल होती है, जो क्या होती है, हमें अगर कोई भी दिक्कत है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई हमारे साथ इमरजेंसी है, कोई ट्रेजेडी हो रही है, भगवान ने करे कोई कैजुअलिटी अगर हमारे साथ हो रही है, तो वहां पे हमारा हेल्प कौन करता है, एम्बुलेंस करता है। एम्बुल मतलब होता है वॉक करना, एंस मतलब होता है किसमें वॉक करना, इमरजेंसी में वॉक करना। तो ऐसी व्हीकल जो इमरजेंसी में वॉक करेगी, जो क्या वॉक कर रही है, जो हमें ऐसे जनरली तो हम लोग ट्रेवल करते नहीं एम्बुलेंस से,
कि अब कहीं जाना, शादी में जाना, कहीं पार्टी में जाना, तो एम्बुलेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। लेकिन जब हमें इमरजेंसी में वॉक करना होता है, मूवमेंट करना होता है, जाना होता है कहीं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं, ओके। ऐसे ही हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं, बड़ा फेमस वर्ड है, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट एक वर्ड है, सोमनाम्बुलिस्ट। अब सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? सोमैन, यहाँ पे सोमैन दिख रहा है, यहाँ पे एम्बुल है और इस्ट दिख रहा है। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सोने में टहलता हो। आपने देखा होगा क्या, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, समवन हु वॉक्स इन स्लीप। आपने देखा होगा ना, नहीं सुना होगा आपने, कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, मतलब सो रहे हैं और सोते सोते क्या करते हैं, टहलने लगते हैं। तो ऐसे लोग हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, ओके। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, वॉक करेगा। कब वॉक करेगा? जब वो सोया होगा। सोमना मतलब होता है स्लीप और एम्बुल मतलब क्या होता है, वॉक करना। एम्बुलिस्ट यहाँ पे LIST लगा दिया गया है, ठीक है। तो सोमनाम्बुलिस्ट थोड़ा सा इसको आप स्पेलिंग इसका याद करिएगा, हमारे एग्जाम में कई बार आया हुआ है और इसका स्पेलिंग इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? SOMNAMBULIST, सोमनाम्बुलिस्ट, ओके। तो सोमनाम्बुलिस्ट मतलब क्या होता है? वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोए हुए में टहलेगा उसे क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे मैं मिटा दूं, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे तीसरे एग्जाम्पल को। तीन उसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स बार बार हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, बैंक्स वगैरह एक्सएससी में लगातार हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहला इसमें क्या है? पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर क्या होता है? आपने देखे होंगे मॉल वगैरह में क्या होता है, हम लोगों के पास जैसे हम लोग जाते हैं उसमें एंट्री करते हैं, तो हमें सामान ले जाने के लिए एक कह सकते हैं कि कैरिएज की तरह मिलता है, तो पैराम्बुलेटर ही उसे बोलते हैं। वो क्या होता है? कैरिएज होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि सामान ढोने के लिए, या कई बार क्या होता है उसमें हम लोग बच्चे को भी रखते हैं, बच्चा गाड़ी भी बोलते हैं। कभी आपने देखा हो क्या करती, कुछ महिलाएं होती हैं जो बच्चे को अपने रख लेती हैं और लेकर उसे जाती रहती हैं, तो वो क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, पैराम्बुलेटर। आज उसे आप क्या बोलेंगे? पैराम्बुलेटर। बोलिए मेरे साथ, पैराम्बुलेटर। फिर से बोलिए, पैराम्बुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरा वर्ड नेक्स्ट जो है वह पैराम्बुलेट है। पैराम्बुलेट मतलब क्या होता है? वॉक अबाउट मीन्स बोले तो, अगर जहाँ पे हम लोग घूमते टहलते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे हम लोग जहाँ पे एक तरीके से घूम टहल रहे हैं, जहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? पैराम्बुलेट होता है। और जो लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी क्या होता है? जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप हॉस्पिटल में हैं, ओके, या कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, अब वो वॉक करने के बाउल हो गया, मतलब अब क्या करा, वो टहलना स्टार्ट कर दिया, उसने क्या करी, वॉकिंग अपनी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया वॉकिंग, तो वो क्या होता है, वो एम्बुलेटरी होता है। उस पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बुलेटरी बोलते हैं, जो पेशेंट अभी चलना स्टार्ट किया है, जिसने अभी चलना स्टार्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अपने सेम टाइम इसी सेम चैनल पे, और आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, फटाफट इसको आपको प्रैक्टिस करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।